तंदूरी मोमोज है, अफगानी मोमोज है, कुरकुरे मोमोज है। जिसे मेरा टेस्ट समझ में नहीं आता है वो मुझसे आके पैसे वापस ले जा सकता है। ये मेरा चैलेंज है। काफी सारी मेयोनीज लग गई है। रोल लगा रहे हैं भैया, मलाई टिक्का रोल है, मलाई टिक्का रोल है, चिकन टिक्का रोल है, प्याज के लच्छे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं मैं तो एकदम फिट एंड फाइन, एंड आई होप आप भी एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो टेस्टी इंडिया के आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ जाकिर नगर। अगर दिल्ली में बात हुई स्ट्रीट फूड की तो जाकिर नगर का जिक्र ज़रूर होगा। तो आज हम आ गए हैं जाकिर नगर और यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं एक अलग किस्म का मिल रहा है यहाँ पर, पराठा रोल। जी हाँ, चिकन रोल मिल रहा है, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको मेकिंग दिखाता हूँ कि ये पराठा कैसे बन रहा है और कैसे फिर उसमें चिकन फिल करके ये रोल बनाते हैं और फिर टेस्ट भी करेंगे। आ जाइए। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इस टाइप का थोड़ा सा सिंपलर पराठा हमने खाया था पराठे वाली गली में, लेकिन वो तो आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसका कैसा टेस्ट है। यहीं कहीं वीडियो आ रही है, तो चलो आ जाओ। तो भाई अपना चिकन रोल ऑर्डर करने से पहले बात करते हैं यहाँ के ओनर से और मालूम करते हैं कितनी पुरानी शॉप है, कब से स्टार्ट करा है और क्या नाम है शॉप का और भाई का नाम भी क्या है। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद फहद। अच्छा, तो फहद भाई कितना पुराना है आउटलेट? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इसका नाम क्विक ईट है? यस सर। अच्छा, बहुत सही है। और यहाँ पे चिकन रोल मिल रहा है? चिकन रोल मिल रहा है, चिकन टिक्का रोल है, मलाई टिक्का रोल है, मतलब और तंदूरी चिकन है, अफगानी चिकन है, मोमोज में स्पेशलिस्ट हैं हम। अच्छा, मोमोज भी मिलते हैं यहाँ पे? तंदूरी मोमोज भी आया हूँ यहाँ पे, चिकन रोल खा के चला जाता हूँ, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया मोमोज भी मिल रहे हैं। तंदूरी मोमोज है, अफगानी मोमोज है, कुरकुरे मोमोज है। क्या बात है, फिर तो हम मोमोज भी टेस्ट करेंगे फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ की टाइमिंग क्या है? सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक। एक बार आप लोकेशन और समझा दो। लोकेशन जाकिर नगर मेन रोड, आटे की चक्की के सामने, सबसे पुरानी मील है ये आटे की चक्की जो है यहाँ पे। गली नंबर कौन सा कहलाता है? ये गली नंबर 9 के सामने वाला। ठीक है, वैसे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके आ सकते हैं जाकिर नगर में ऑन रोड। अगर मेरा एक और चीज़ है मेरी, अगर जैसे मेरा वीडियो डली भी है यूट्यूब पे वैसे, कि अगर जिसे मेरा टेस्ट समझ में नहीं आता है वो मुझसे आके पैसे वापस ले जा सकता है। ये मेरा चैलेंज है भाई। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है भाई ने। अगर मेरा टेस्ट समझ में ना आए किसी भी चीज़ का, आप मुझसे आके पैसे रिफंड ले जा सकते हैं। क्या बात है, ऐसी ऑनेस्टी चाहिए ना हमें भाई, ऐसी ऑनेस्टी। पहली बार में बहुत टाइम से फूड आप देख ही रहे हो हमारे चैनल पर, बहुत वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ओनर ने ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया है। काफ़ी सारी मेयोनीज लग गई है। रोल लगा रहे हैं भैया, मलाई टिक्का रोल है, मलाई टिक्का रोल है, चिकन टिक्का रोल है, प्याज के लच्छे। ये कौन सी सॉस डाली आपने? केचप है। अच्छा, केचप है, टमाटो केचप। ठीक है, ये मेरे हाथ की ग्रीन चटनी है। अरे बहुत सही, ये तंदूरी सॉस है मेरे हाथ। ये मेरा प्याज। हाँ अच्छा। तो देख लें गाइस, बहुत सारा प्यार डाल दिया भाई ने। तो भाई हमने सोचा टेस्ट करने से पहले यहाँ के कस्टमर से बात कर ली जाए और उनसे भी मालूम कराया जाए कि उनको कैसा लगता है टेस्ट। सर आप बताइए, पहले तो नाम बताइए आप अपना। मोहम्मद अली। अच्छा, तो सर कैसा टेस्ट लगता है आपको, कितने टाइम से आते हैं आप यहाँ पे? ये होगी मेरे को 2 मंथ हो गए, मैंने फर्स्ट टाइम में 2 मंथ आया था। अच्छा, रेगुलर आ रहे हैं आप। कौन कौन से रोल आपने यहाँ पे टेस्ट करे? मैंने इधर चिकन रोल है टेस्ट किया, एग रोल टेस्ट किया है, मलाई टिक्का रोल है, मलाई टिक्का रोल। अच्छा, अभी कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं? मोमोज भी खाए मैंने। अच्छा, मोमोज भी खाए आपने। अभी कौन सा रोल खा रहे हैं आप? ये मैं आपको मलाई टिक्का रोल। मलाई टिक्का रोल, ठीक है गाइस, तो अब इनको खाने देते हैं इससे पहले कि इनका रोल ठंडा हो जाए। तो वही इंतजार की घड़ियां होती है ख़त्म, हमारा भी आ गया है चिकन टिक्का रोल, आप टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसकी फिलिंग दिखा देता हूँ, आ जाओ। आपने मेकिंग तो इसकी देख ही ली है, एक बार फिर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका लच्छा पराठा जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, क्योंकि इनका जो फ्राई करने का तरीका है ना पराठे का, वो बड़ा सही लगा मुझे। काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी किस्म की इन्होंने जो है इसके अंदर सॉसेज डाली हैं, और इससे पहले कि ठंडा हो जाए और मेरे मुँह में आ रहा है पानी। मेरा जो कैमरा मैन है वो अलग अलग शक्लें बना रहा है क्योंकि उसके मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देख रहे हो, उसकी नज़र मोमोज पे चली गई है इससे पहले, तो इससे पहले कि मोमोज आती आए वो मैं इसे खा लेता हूँ। वाकई में जैसा चिकन टिक्का रोल होना चाहिए ना, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है इसका। लच्छा पराठा थोड़ा ज़्यादा मीठा है, जो मुझे अच्छा लगता है, मिठास वाली जो टेस्ट आता है ना वो अच्छा है, और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है अंदर से जो इसकी फिलिंग है, और इन्होंने जो सॉसेज डाली हैं उससे जो टेस्ट आ रहा है भाई, वाकई में इसके इस टेस्ट को लेने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। कैमरे के ज़रिए तो मैं बयान करना मुश्किल है, अल्फाज कम पड़ गए मेरे। तो भाई 60 रुपये में ऐसा रोल भाई, वाकई में ये तो पूरी तरह मतलब ये पैसा वसूल रोल है ये चिकन रोल। क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, और टेस्ट तो लाजवाब है।
तो इसी नोट पे मैं थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ, उसके बाद हमारे मोमोज भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कैमरा मैन है उसकी नज़र मोमोज पे ही है। पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और। लो जवाब, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये आ गए हमारे चिकन तंदूरी मोमोज, और ये भी देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जैसे भाई ने बताया कि यहाँ तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप रिफंड लेकर जा सकते हैं। तो भाई ऑफकोर्स इनको पता है कि इनका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि रिफंड देने तो आई डोंट थिंक सो कोई आने वाला है। तो इसी नोट पे हम टेस्ट कर लेते हैं। और साइज़ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मोमोज का, देख रहे ना कितना बड़ा साइज़ है। और ये सिर्फ 8 मोमोज हैं और सिर्फ 120 रुपीज़ में हैं, और साइज़ में तो बहुत बड़े हैं यार। ये काफ़ी गर्म है और बटर की मकदार बहुत अच्छी पड़ी हुई है, साथ में म्यूनीस भी बहुत सही लग रही है मुझे, और इन्होंने मोमोज की चटनी भी दी है साथ में। चलो, और यहाँ पे मोमोज की भी काफ़ी वैरायटी हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये है इनका कुरकुरे मोमोज, मोमोज की चटनी के साथ। तो भाई आप टेस्ट करते हैं इनके तंदूरी मोमोज, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इससे पहले कि ठंडे हो जाएं टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मैं आपको ना अंदर से दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, अंदर से इन्होंने अच्छी खासी मकदार में इसके अंदर चिकन की फिलिंग है, और इसको भी मैसी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि टेस्ट कितना अच्छा है। और इसको हम डिप करते हैं इनकी जो इन्होंने सॉस दी है तंदूरी मोमोज की, उसके साथ फिर इन्होंने जो सॉसेस और भी दिए मेयोनीज दिए, और फिर जो इनकी मोमोज की चटनी है उससे भी टेस्ट करेंगे। और भाई वाकई में इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब है, बहुत टेम्पटिंग है, बहुत टेंडर टेस्ट है और बहुत टेम्पटिंग टेस्ट है। थोड़ा सा डिप करते हैं इनकी मेयोनीज में, और देखो बटर भी डला हुआ है मेयोनीज पे, और मुझे लगता है इसे खाने के बाद तो सीधा मुझे जिम जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बटर हो गया है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है तो इसलिए खा लूँगा मैं। इनकी जो मोमोज की चटनी है उससे भी टेस्ट करते हैं। तो ये कर दिया हमने मोमोज की चटनी में डिप, और वही बात, अगर आपको खाना है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, जब तक मैं खा लेता हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है विद गूगल मैप, आप उसको फॉलो करके यहाँ आ सकते हैं और खा सकते हैं। अभी हम जाकिर नगर में। तो वाह बहुत ही भाई, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इनकी जो है मोमोज वाली चटनी है इसको तो सही में दिल आ गया मेरा, काफ़ी अलग टेस्ट की है, और मतलब अलग और अच्छा टेस्ट है, तो ये अच्छी बात है। स्पाइसी तो है, स्पाइसी के साथ साथ जो क्रीमी टेस्ट आ रहा है ना उससे जो मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। फिर से इनकी जो चटनी है उसमें डिप करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा अगर आपको ऐसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ कब आ रहे हैं, आपको मोमोज ज़्यादा पसंद है या चिकन रोल ज़्यादा पसंद है। और हाँ, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट, और इसी नोट पे बड़ी सी बाइट लेते हैं मोमोज की, ठीक है ना। आनंद आ गया भाई, मतलब भूख और सुकून मिल गया एकदम, ऐसा वाला आनंद है।